इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। मुझे माफ कर दीजिए सासू। सासू माँ नहीं, दोस्त सासू माँ। हमें पूरा यकीन था लक्ष्मी बहू पे। बुआ जी, इस बार आपने जल्दबाजी करके गलत फैसला सुना दिया। सही कहा थी कि गलती लक्ष्मी की नहीं तेरी है। बुआ जी, आपका ये सोचने का तरीका गलत है। लला, हम गलत है? जी बुआ जी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। आराम से लक्ष्मी जी, हमें कुछ खाने का मन नहीं कर, सब कड़वा कड़वा लग रहा। गुड्डन का ऐसे उल्टियां करना, कुछ तो बात जरूर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सासू माँ गुड न्यूज देने वाली हो? फिर भी एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। अब क्या जाना हमें डॉक्टर के पास, हमें पता तो चल गया सब कुछ नॉर्मल है। नहीं गुड्डन, एक बार डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। देखो नहीं तो मुझे माँ को सब कुछ बताना पड़ेगा। दादी को कुछ नहीं बताएंगे, हम चलेंगे डॉक्टर के पास। दादी, मुझे तो लगता है कि हमको ना जश्न की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा ना ही है और ना ही कभी हो सकता है। गुड्डन और मेरे बीच में जो रिश्ता है वो एक आम पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। ये गुड्डन सिर्फ सास और बहू का ही नहीं, पत्नी का रिश्ता निभाना भी नहीं जानती। और जब तक तू खुद को अच्छी पत्नी साबित नहीं कर सकती, तू जिंदल परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। इसीलिए आज से तू खुद को गुड्डन जिंदल नहीं, गुड्डन गुप्ता कहेगी। इस नई चुनौती का कैसे सामना करेगी हमारी गुड्डन? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखी। मैंने गुड्डन को इससे पहले कभी इतना उदास नहीं देखा। माँ, मैं जानता हूँ कि गुड्डन कहाँ मिलेगी। पर तू कमरे में कहाँ जा रहा है? इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से। मैं तुम्हारे साथ हूँ गुड्डन। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं अगले हफ्ते देखिए। गुड्डन जैसी पत्नी मेरी लल्ला को नहीं मिल सकती। तो आज भी क्यों अधूरा है ये पति पत्नी का रिश्ता? अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश में गुड्डन और अक्षत जाएंगे अपनी पहली डेट पर। क्या बुआ का उठाया सवाल लाएगा नजदीकियां दोनों के बीच? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। बढ़ रही है गुड्डन और अक्षत के बीच नजदीकियां। बेशक अगर एक धागा है तो एक सिरा मैं हूं, दूसरा तुम हो। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। बढ़ रही है गुड्डन और अक्षत के बीच नजदीकियां। Ah!
पानी भी नहीं, किचन तक जाना पड़ेगा। जलने की बदबू कहां से आ रही है? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। अगर किसी को इस घर को छोड़कर जाने की जरूरत है तो हम मत जा बेटा, मुझे छोड़ के मत जा। हम बहुत खुश हैं तूने अपनी सही जगह पहचान कर ठीक निर्णय लिया। रुक जाओ, गुड्डन ने आप सबसे ये वादा किया है ना कि वो इस घर को छोड़ के जाएगी, लेकिन सीता अकेले ही वनवास पे जाए ऐसा राम नहीं हूँ मैं। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि अगर गुड्डन ये घर छोड़ के जाएगी तो मैं भी उसके साथ ही घर छोड़ के जाऊँ। क्या नाम है तेरा? चल नाम बता जल्दी, नाम बता। रुकिए, पीछे हटिए, मेरी पत्नी ये कुछ गलत नहीं कर सकती, पीछे हटिए। लेके चलो इन्हें। साहिल तब खुश होगा जब तू उसकी जिंदगी से चली जाएगी वेदिका। चौबीस घंटे में ना तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। राज जी एक बार बात तो सुनना, बात बॉर्डर मैंने कुछ नहीं किया। प्राची नहीं, तू तो ऐसा कुछ नहीं करेगी। प्राची नहीं, प्राची क्या कर रही है तू? प्राची प्राची दरवाजा, प्राची दरवाजा खोल, प्लीज दरवाजा खोल, प्राची प्लीज दरवाजा खोल। प्राची तुम्हारी काली करतूते इस एनवेलप में बंद है और अब उन करतूतों से पर्दाफाश होगा। तुम्हारी माँ मेरे कैद में है, अगर तुमने मेरी रिपोर्ट के बारे में किसी से कुछ भी कहा तो वो बंदूक की गोली के लड्डू जरूर खाएगी। पन्नाज, मोहिनी ने झुमरी को यहाँ महल में कैद कर लिया है। क्या? मैं उसे अकेले नहीं बचा पाऊंगी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। पन्नाज, मैंने प्लान बना लिया है। ये क्या हो रहा है काली? खोल इसे। बस दो मिनट रुक, वकील का फोन है, कोई जरूरी बात करनी होगी, तू यहीं खड़ी रहना। हाँ वकील साहब बोलिए। भैया आपके इरादे मैं बहुत अच्छे से भांप चुकी हूँ। वाह क्या, ऊपर देखिए, हट दिया वहां से। कौन है ये? पता नहीं हमारी बातें क्यों सुनी थी। अब ये क्यों फोन कर रही है? कम करवा दूं? क्या बदतमीजी कर रहा? तुम जैसी बदनाम गलियों में पैदा हुई लड़की के साथ मैं इज्जत से बात करूं? नहीं चाहिए।
क्या ये वक्त ये दो प्रेमी को अपने अंदर छुपे एक दूसरे के लिए प्यार को पहचान पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।